हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू आई एग्जाम बी दिस इज सोनल सकलानी स्टूडेंट्स आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द एलोपैथी सो बहुत बार ऐसा होता है कि एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं और कुछ स्टूडेंट्स इसको गलत कर देते हैं क्योंकि उनके कॉन्सेप्ट अबाउट द एलोपैथी एलोपैथिक पैथिकल इफ़ेक्ट एलो केमिकल्स इन पे उनके कॉन्सेप्ट टोटली क्लियर नहीं होते हैं. तो आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपके सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर करूंगी इसलिए चलती चलते हैं आगे बढ़ते हैं आज के सेशन में ठीक है फर्स्ट कमिंग टू एलोपैथी क्या है बेसिकली ठीक है तो एलोपैथी क्या है uh, ये जो वर्ड है ये दो ग्रीक वर्ड से बनाया गया था ठीक है ग्रीक वर्ड्स एलेलॉन और पैथो एलेन मतलब कि ईच अदर मतलब कि एक दूसरे के लिए एक दूसरे पे जब ये इफेक्ट करते हैं कोई भी तो उसको एलेन कहते हैं ग्रीक वर्ड में और पैथो मीन्स टू सफ़र सी पैथो क्या है पैथोलॉजी वर्ड uh, में भी पैथो आता है और उसका मतलब क्या होता है कि सफ़र करना या डिजीज़ कॉज करना या फिर किसी भी तरह से क्या है दूसरे जो प्लांट है उसको इफेक्ट करना सो दैट इज बेसिकली पैथो का मीनिंग ये जो टर्म है सबसे पहले किसने दिया था मॉलिश ये एक बॉटनिस्ट थे जिन्होंने 1937 में ये टर्म जो कॉइन किया था और इसका मीनिंग अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ एलोपैथी इंटरनेशनल एलोपैथी सोसाइटी ने इसकी स्टैंडर्ड uh, डिफिनेशन दी थी अकॉर्डिंग टू विच एनी प्रोसेस इन्वॉलविंग सेकेंड्री मेटाबोलाइट तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये नोट करना कि ये जो एलो केमिकल्स होते हैं ये होते हैं सेकेंडरी मेटाबोलट्स ओके प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं वो सारे केमिकल्स वो सारे मॉलिक्यूल्स जो कि प्लांट के मेटाबॉलिज्म में डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं लेकिन ये जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं ये डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करते ये बस लाइक like, uh, एक कुछ केमिकल्स बन जाते हैं प्लांट्स में और फिर क्या है ये रिलीज होते हैं उसमें ठीक है प्लांट्स में ऑल्सो इन सम अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सो एलगी बैक्टीरिया एंड एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल एंड बायोलॉजिकल सिस्टम सो ऐसे सारे केमिकल्स का रिलीज होना बाय दीज माइक्रो ऑर्गेजम्स आई प्लांट्स, जो कि क्या है उसके आसपास जो भी उसकी विसिडिटी में क्या है जो भी माइक्रो ऑर्गेजम्स होंगे या फिर दूसरा कोई प्लांट होगा उस पर ये केमिकल्स रिलीज़ होंगे उस पर ये केमिकल्स क्या है इफ़ेक्ट करेंगे उसकी ग्रोथ पे उसके डेवलपमेंट पे सो दैट फिनना इज बेसिकली कॉल्ड एज एल्लोपैथिक इफ़ेक्ट ठीक है नाउ कमिंग टू वट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलोपैथिक इफ़ेक्ट क्या क्या इसके डिफरेंट क्लासिफिकेशन है सो so पहले हम देखते हैं ट्रू एलोपैथी एंड फंक्शनल एलोपैथी ट्रू एलोपैथी मतलब कि कोई भी हमारे पास एक प्लांट है और वो क्या है केमिकल रिलीज़ कर रहा है एल्लो केमिकल रिलीज़ कर रहा है और जिस फॉर्म में वो केमिकल रिलीज़ कर रहा है उसी फॉर्म में वो केमिकल दूसरे प्लांट को या दूसरे ऑर्गेनिज्म को इफेक्ट कर रहा है ठीक है वो केमिकल की फॉर्म कहीं भी चेंज नहीं हुई सो इट विल बी कॉल्ड एज ट्रू एलोपैथी फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यूकेलेप्ट के जो लीव्स होते हैं उसके जो लीव कलीचित्स निकलते हैं तो वो क्या करते हैं अगर आपने कहीं पर यूकिलिप्टस का uh, ट्री लगाया है हर नीचे आपने कोई वेजिटेबल या कोई कोई भी क्रॉप अगर लगाई है तो उन लीव्स का जब वो नीचे गिरेंगे तो उनसे जो केमिकल्स रिलीज होंगे वो इफ़ेक्ट करते हैं जोमनेशन पे और नो uh, no, ग्रोथ पे ऑफ द वेजिटेबल्स और कोई भी अगर क्रॉप वहाँ पर लगाई है सो दैट इज कॉल्ड बेसिकली ट्रू एलोपैथी ठीक है डायरेक्टली जो केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं वो इफेक्ट कर रहे हैं दूसरा हमारे पास फंक्शनल एलोपैथी फंक्शनल एलोपैथी मतलब कि एक कोई प्लांट है उसने केमिकल रिलीज करे लेकिन ये केमिकल क्या थे इनएक्टिव फॉर्म में थे अब ये सॉइल में गए सॉइल में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट थे ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे ने इन्होंने इस जो केमिकल है इस पे एक्ट करा और इसको कन्वर्ट कर दिया है एक्टिव फॉर्म में नाउ दिस एक्टिव फॉर्म ऑफ केमिकल विल इफेक्ट अदर जो भी uh, दूसरी माइक्रो ऑर्गनिज्म है या फिर दूसरा कोई प्लांट है उस पर इफ़ेक्ट करेंगे सो फंक्शनल एलोपैथी में केमिकल का फॉर्म चेंज होता है इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में वेयर ट्रू एलोपैथी में जैसे वो रिलीज uh, हुआ था उसी वही क्या है एक्टिव फॉर्म था और वही इफ़ेक्ट कर रहा है दूसरे प्लांट को नाउ कमिंग टू कनकरेंट एल्लोपैथी एंड रेसिडुअल एलोपैथी कॉन्करेंट एलोपैथी को लाइव प्लांट एलोपैथी भी कहा जाता है ठीक है इसमें क्या होता है जब आ, कोई भी प्लांट है फील्ड में लगा हुआ है तो वो उसी टाइम पे जो केमिकल्स रिलीज करेगा वो उसके जो विसिनिटी में दूसरा ऑर्गेनिज्म या दूसरा प्लांट है उस पर इफेक्ट करेगा वेयर इज रेसिडुअल एलोपैथी में क्या होता है कोई भी हमने कोई फील्ड लिया है वहाँ पर हमने कोई क्रॉप ग्रो करी थी फॉर एग्जाम्पल सॉर्घम आप सोच सकते हो ठीक है खरीफ सीजन में सॉर्घम लगाई थी वो सॉर्घम को हार्वेस्ट करने के बाद क्या हुआ वहाँ पर दूसरी कोई क्रॉप वीट क्रॉप हमने ग्रो करी तो ये सॉर्घम को हार्वेस्ट कर दिया है लेकिन उसके कुछ क्रॉप रेसिड्यूज के अभी भी फील्ड में रह गए हैं और उन क्रॉप रेसिड्यूज से क्या है येलो केमिकल रिलीज हो रहा है या फिर वो ऑलरेडी उसने येलो केमिकल्स रिलीज कर दिया और ये सक्सेडिंग क्रॉप को क्या है इफेक्ट कर रहा है उसकी ग्रोथ और जोमिनेशन को इफेक्ट कर रहा है सो दैट इज कॉल्ड दी रेसिडुअल एलोपैथी ठीक है नेक्स्ट आता है हमारे पास एलो एलोपैथी और ऑटो एलोपैथी ऑटो एलोपैथी मतलब कि खुद के ही जो स्पीशीज के प्लांट है मतलब कि वीट uh, है तो वो वीट के जो स्पीशीज़ है मतलब कि वीट के प्लांट को ही क्या है इफेक्ट करेंगे एलो केमिकल्स उसमें रिलीज़ करेंगे और किसी तरह से उस पर इफेक्ट एलोपैथिक इफेक्ट डालेंगे वेयर एज एलोलो एलो एलोपैथी मतलब कि एक प्लांट स्पीशीज़ दूसरी किसी प्लांट स्पीशीज पे एल्लो के पैथिक इफेक्ट शो कर रही है ठीक है केमिकल्स रिलीज करके सो so दैट इज द एलो एलोपैथिक ठीक है नाउ कमिंग टू फॉर्म्स ऑफ एलोपैथिक इंटरेक्शन तो क्या क्या अलग अलग इंटरेक्शन के फॉर्म्स हैं सी ये जनरली हम जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं वीड्स के केस में और क्रॉप्स के केस में तो कहीं पर होता है कि कुछ क्रॉप्स क्या है वीड पे इफेक्ट करते हैं एलोपैथिक इफ़ेक्ट कहीं पर कुछ वीड्स जो है वो क्रॉप पे करते हैं कुछ वीड्स वीड्स पे करते हैं और कुछ क्रॉप के क्रॉप uh, ही क्या है दूसरी क्रॉप पे भी करती है सो फर्स्ट स्टार्टिंग अबाउट द एलोपैथिक्स ऑफ एलोपैथिक इफेक्ट ऑफ क्रॉप ऑन क्रॉप सो एक क्रॉप दूसरी क्रॉप पर करती है जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ इ टेक सनफ्लावर सो सनफ्लावर से क्या है कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं जो कि इफेक्ट करते हैं ग्राउंडनट की अगर ग्राउंडनट के साथ इंटरक्रॉपिंग करी है सनफ्लावर की तो ग्राउंडनट की आ, की ग्रोथ को ये अफेक्ट करता है उसके डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है सेम इज़ विद यूकलिप्टिस यूकिलिप्टिस की जो लीव्स होती हैं वो नीचे ग्रो कर रही जो भी वेजिटेबल क्रॉप्स हैं उन पे एलोपैथिक इफ़ेक्ट डालती है लेंटिल के रेसिड्यूज वीट में इफ़ेक्ट करते हैं ठीक है नाउ नेक्स्ट इज़ एल्लोपैथिक इफेक्ट्स ऑफ सम वीड्स ऑन क्रॉप्स। तो कुछ वीड्स भी होती हैं जो क्रॉप्स पे इफेक्ट करती हैं फॉर एग्जाम्पल वी हैव एवेना फैचुआ फेलोरिस माइनर जो है वो वीड के जर्मिनेशन तो so, अगर ये पहले से ही प्रेजेंट है एक तो ये वीड का इफेक्ट तो शो करती हैं वीड क्या करेगा जब खुद जॉमिनेट होगा तो वो न्यूट्रिएंट्स तो ले ही लेता है मेन प्लांट के मेन जो फील्ड क्रॉप है उसके अदर देन दैट ये पैथिक इफेक्ट भी शो करता है जिसकी वजह से क्या है वीट का जर्मिनेशन कम हो सकता है सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वीड मैनेजमेंट किया जाए वीट कंट्रोल किया जाए ठीक है नेक्स्ट एग्जाम्पल वी हैव एमरेंथस स्पीशीज़ का ये किस में इफेक्ट करता है मेज़ की में, मेज़ में और फिंगर मिलेट में ठीक है देन वी हैव पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस पार्थेनियम तो वैसे भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल है ये जहाँ पर भी ग्रो करता है वहाँ पर आ, ये लैंड को बहुत बैरेन छोड़ देता है मतलब ये बहुत ज़्यादा न्यूट्रिय जो है वो अपटेक करता है लैंड से जिसकी वजह से जो लैंड है आफ्टर ये जब ग्रो करने लगता है और अगर आप इसको अपरूट कर दोगे तो वहाँ पर न्यूट्रिएंट्स की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है उस लैंड एरिया में ठीक है तो इसके अलावा क्या है ये वार्थेनियम एलोपैथिक इफेक्ट भी शो करता है ऑन ग्रोथ एंड जर्मिनेशन ऑफ सॉर्गम मेज एंड वीट ठीक है नेक्स्ट वी हैव द एलोपैथिक ऑफ वीट्स ऑन वीट्स सो एक वीड दूसरी वीड पे भी करते हैं फॉर एग्जाम्पल वी हैव केसक्यूटा जिसको अमरबेल भी कहा जाता है वो इफेक्ट करता है इकॉर्निया क्रेसिपस में ठीक है देन वी हैव कैसिया मैरीगोल्ड ये करता है इफेक्ट पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस में एमरेंथिस स्पाइनोसिस ये भी के इसमें पार्थोनियम हिस्टेरोफोरस में करता है नेक्स्ट वी हैव एलोपैथिक ऑफ क्रॉप्स ऑन वीड्स सो कुछ क्रॉप्स हैं जिनका वीड पे इफेक्ट होता है फॉर एग्जाम्पल वीट है वीट के जो रूट एग्जेट है मतलब कि रूट से निकलता हुआ एग्जीडेट्स ओट्स है पीज है इनमें इनका जो रूट एक्जीडेट्स है वो हेल्प uh, करता है टू एरेडिकेट चीनोपोडियम एल्बम को ठीक है देन वी हैव मेज के रूट से भी क्या है जो भी एक्जेट्स निकलते हैं वो चीनोपोडियम एल्बम और एमरेंथस रेट्रोफ्लक्सिस पे इफेक्ट डालते हैं उनके जर्मिनेशन पे उसकी ग्रोथ पे देन सॉर्गम का भी शूट्स और जो फोलिएट है फोलिएज है उसका जो उससे इफेक्ट पड़ता है हेबिटोलॉन थियोफ्रास्टी एमरेंथस हाइब्रिडस पे ठीक है नाउ वी हैव सम ऑफ द स्टिमुलेटरी इफेक्ट आल्सो सो एलोपैथी में सिर्फ हार्मफुल uh, इफेक्ट ही नहीं होता है कभी कभी क्या होता है स्टिमुलेटरी इफेक्ट भी होता है मतलब ये एलो केमिकल जो रिलीज हैं ये हो सकता है दूसरे uh, किसी स्पीशीज़ को दूसरी प्लांट स्पीशीज़ की जर्मिनेशन पे या उसकी ग्रोथ पे एडिशनल इफ़ेक्ट डाले मतलब उसको और बढ़ावा दें उसके जर्मिनेशन में और हेल्प करें तो ऐसा ही होता है जब रूट एग्ज रूट एक्जरेट्स मेज़ के निकलते हैं तो वो ओरोबैंकी और स्ट्राइगा के जर्मिनेशन में क्या है इफ़ेक्ट करते हैं ठीक है सिमिलरली रूट एग्जरेट्स ऑफ सॉर्गम और रूट एग्जिट्स ऑफ कॉटन ये दोनों ही क्या है स्ट्राइगा की जो स्पीशीज़ है उनमें हेल्प करते हैं उसके जर्मिनेशन में ठीक है दैन कमिंग टू अब ये एलोपैथिक इफ़ेक्ट जो है ये साइंटिस्ट ने क्या है कुछ उसका यूज़ भी करा है जो केमिकल्स रिलीज हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गनिजम से डिफरेंट प्लांट्स से तो इसको हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं एग्रीकल्चर में सो इसी में डेवलपमेंट uh, किया है कुछ साइंटिस्ट ने एक बना है बायलोफोस पाइलोफोज क्या होता है बेसिकली ये इसमें है फॉर्मोलेशन ऑफ अ माइक्रोबियल एलोकेमिकल केमिकल दैट इज फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस स्टेप्टोमाइसिस हाइग्रोस्कोपिकस ठीक है ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास सेल्वियस स्पीशीज का है जिसमें जिससे कि रिलीज होता है वन एट सीनील और ये यूज़ होता है फॉर कंट्रोल ऑफ ब्रॉडलीफ वीड्स एंड ग्रासी लीव्स ग्रासी जो वीड्स होते हैं राइस में ठीक है उसके कंट्रोल में ये यूज़ किया जाता है नेक्स्ट वी हैव एग्जांपल ऑफ अल्टन एरिया अल्टरनेट इससे भी क्या है ए एल टॉक्सिन रिलीज होता है जो कि यूज़ किया जाता है अगेंस्ट टोमेटो में जो लाइको की फंगस पाया जाता है उसके अगेंस्ट इसको यूज़ किया जाता है तो एलोपैथिक जो इफेक्ट है उसका हमने उसको एक्सप्लॉयट भी किया है उसको यूज़ भी किया है फॉर डिफरेंट पर्पजेज इन एग्रीकल्चर ठीक है सो दिस वॉज़ अबाउट एल्लो केमिकल्स और एलोपैथी इफेक्ट। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे और भी वीडियो uh, लेक्चर्स no बने अलग अलग कॉन्सेप्ट पे तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि आपको कौन से कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करना है जिसपे आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हिट द लाइक बटन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो आई वुड रिकमेंड यू टू सब्सक्राइब द चैनल थैंक यू फॉर वॉचिंग